अब मेरी लाइफ में है कौन, ना कोई सिंगल बंदा हूँ, आवारा अवेला। सो गाइस, ये है यहाँ का रजौरी गार्डन का शशी बार, जिसे बोलते हम। यहाँ पे मैं आया था अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो यहाँ का है कॉकटेल गार्डन नाम है यहाँ का। तो यहाँ पे हम टोकन वगैरह कुछ जो खाने पीने का सामान है पहले ही पे करना पड़ता है, जिससे कि हमें टोकन मिल जाता है। आगे कैश का कैश नहीं होता काउंटर पे। तो अभी हम चलते हैं सीधा अंदर, ये मैंने टोकन दे दिए हैं थे। तो यहाँ पे मैं अपनी ड्रिंक्स वगैरह ले रहा हूँ। हम चार बॉयज़ आए थे, जो कि जिसमें कि आप एक को तो जानते हो, जो राज भाई वगैरह है। और यहाँ पे हम कोक वगैरह पी रहे हैं क्योंकि खाना हमारा लेट आया था। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो जो बुलबुल बैठी है, ये क्या बुलबुल का बच्चा है। बाकी चलो गाइस, कोई नहीं, किसी को ध्यान नहीं देते हुए ये मुझे, मेरे पास कम मैसेज इतने आ रहे थे, दिमाग खराब हो रहा था। यहाँ पे हम जा रहे, देख रहे थे यार कोई रशियन तो नहीं नाच रही, बट कोई रशियन हमें मिली नहीं। समझ सकते हो, जहाँ पे बाहर में जाए और रशियन ना मिले दिल टूट गया। बट रशियन क्या, इंडियंस ही थे, आप समझ ही सकते हो क्या। नहीं, द रेड रूम नाम से एक जगह थी, ये शशी का डीजे वाले बाबू। और यहाँ पे देख रहा था मैं यार कोई मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बट कहाँ हमारी किस्मत ऐसी कि कोई मिल जाए। या सिंगल होने के बाद तो लाइफ झंड है, झंड क्या मजे ही मजे हैं सिंगल के लिए। तो फिर किसी की बुलबुल बच्ची को पटाओ, घुमाओ, जो मर्जी करो वो करो। यहाँ पे मैं ऊपर देख रहा था, ऊपर कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट मुझे मेरी शक्ल दिख रही थी। तो यहाँ पे हम चलते हैं हमारी गाड़ी की तरफ। तो गाइस, आज आपको दिखाता हूँ मजेदार जिंदगी किसे कहते हैं, कि वो जिंदगी जो एक कबूतर पिंजरे से आजाद होने के बाद जीता है। तो आज मैं आपको वही जिंदगी दिखाने जा रहा हूँ। तो चलो मैं आपको कहाँ पे दिखाता हूँ कितनी ऐश वाली लाइफ बनने वाली आज से मेरी, आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, फाइनली आज हम आ गए एक और न्यू लोकेशन पे। मतलब अपनी तो मौज है यार। अभी आपको बाकी मैं अंदर का सीन दिखाऊंगा क्या है क्या। ये देखो, देख रहे हो, तो हम हैं अकरा के अंदर। सो गाइस, अभी चलते हैं हम ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कैमरा लाल ये मान लो एक तरह से रशियन। सो गाइस, भाई और आज मैं फुल अय्याशी करने पे तुले हुए हैं। मतलब लड़कियों की तो हमारे पास लाइन है। तो भाई बचपन से अय्याशी, पता है आप लोग तो सेम है यार। मैं बन चुका हूँ, कौन सा मेरी मैं मैंने भी सिखाया नहीं, किसने नहीं सिखाया। मैं मिंगल नहीं हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, ना मेरी कोई बंदी, ना मेरी कोई शादी हो रखी है। ठीक है, कोई भी लड़की सुन रहे हो तो मैं सिंगल हूँ, तो मुझे कभी भी कह दो, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे भी। और तो भाई यार तुम ऊपर दिखाऊंगा क्या सीन है क्या नहीं। तो अभी लिफ्ट के आने का वेट कर लेते हैं। सो गाइस, ये हम आ चुके हैं सुकून बाय अकरा में। तो यहाँ पे भी देखते हैं यार कौन मिलेगी, क्योंकि ये दूसरा दिन था। मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, घर पे बैठा बैठा मैं दोस्त के घर पे बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। तो हम चले कि कोई क्लब व्लब घूम लेते हैं यार, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे हम इसी उम्मीद से हम आए हैं कि यहाँ पे कोई हमें मिल जाए। तो देन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आता। तो हमने सोचा कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। मैंने मंगाया था दही कबाब, तो मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए मेरे साथ कौन जाता है कौन नहीं। तो आप देखो यहाँ पे कितने मस्त लग रहे हैं सबके सब, कितना अकरा भाई। बट अभी ना गाइस, यहाँ पे फॉरनर भी आए थे। मैंने कोशिश करी थी कि फॉरनर को पटा लूँ, बट क्या ही करूँ यार। तो देखते हैं एक एक क्या चीज़ है, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है, कैसा क्या है। मतलब होता है ना, कई जगह अच्छा नहीं होता। सो वैसे तो भाई गाइस बहुत टेस्टी था ये, बट कुछ और चीज़ भी थी। मेन्यू हमारे सामने रखा था, ये हम ड्रिंक्स व्रिंक्स करने जा रहे। ओए, ये देखा आपने, जरा नोटिस करा तो बैक करके दोबारा से देखना वो क्या था क्या नहीं। तो ये आगे प्रोफेशनल ड्रिंक वाले जो ड्रिंक बनाते हैं। और ये देखो यहाँ पे कितनी सारी लड़कियाँ धीरे धीरे आती जा रही। बट कोई नहीं, हमने भी एक टेबल बुक कर रखी, तो मैं क्या कर लेते हैं यहाँ पे बातचीत थोड़ी। तो यहाँ पे जितने भी बंदे थे, मतलब ये दो लड़कियाँ सिंगल थी, बट यार मेरे अकॉर्डिंग ना ये मोटी थी, इसलिए मैंने इससे बातचीत नहीं करी। आके ये डीजे वाले, सबसे फेमस डीजे वाले, जिनको हमें बताया गया था कि ये फेमस डीजे वाले जो आने वाले हैं, क्योंकि अच्छा मस्त बेस वाला हो, जो इनकी सिंगिंग वो अच्छी है। यहाँ पे देखो देख रहे हो कि एक के साथ कितनी लड़कियाँ खड़ी है, मतलब मिलने को एक नहीं मिलती, जो मिलती तो बहुत सारी मिलती। यहाँ पे हमने एक आधी से बात भी करी थी। तो ये देखो, हम सोच रहे किसी ने किसी से बात करें, बट हम एक से बात करी, फिर हम गए उनसे मिलने। तो यहाँ पे ये देखो, तुम्हारा भाई एकदम बिंदास, कैसा लग रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, बाकी और बकचोदिया कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये है का वॉशरूम, कैसी लग रही है अपने याशी। तो गाइस सीरियसली, लास्ट टाइम ना मेरे को ऐसी फीलिंग, लास्ट टाइम के मतलब इस टाइम के ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं जिंदगी से ना जिंदगी जीने आया हूँ सिर्फ दुनिया में।
मतलब समझ रहे हो यार, दुनियादारी गई तेल लेने हमें क्या, हमें तो अपनी आयाश से मतलब है। देखा तुम्हारा भाई कितना स्मार्ट लग रहा है, मतलब सिंगल होने के बाद लड़के इतने स्मार्ट हो जाते हैं। ओनली शीशे में स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में नहीं लग रहा। रियल लाइफ में देखोगे तो मैं वैसे ही, बिकॉज ये आईफोन का कमाल है। ऐड करना मैं भूल गया था आपको, मैं सोचा फिर से ऐड ही कर दूं इसमें। तो कैसे लाइफ में है कौन, ना कोई सिंगल बंदा हूँ, आवारा वेला ठर के बोलो कुछ बोलो, आज मैं सारी हदें पार कर दूंगा। मैं मुझे देश दुनियादारी की टेंशन ही नहीं है।